आई फील सो हैप्पी एंड आई एम रियली रियली ग्लैड कि मैं उनके पास आई, क्योंकि उन्होंने मुझे जिस वे में भी डिरेक्ट किया वो बहुत हद तक सही है. और आई रियली लव हर, सो प्लीज 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 कम टू हर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ब्यूटी एंड एस्ट्रोलॉजी. जय जीवदानी. ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर आप सभी समझदार और सुंदर श्रोताओं के साथ हाजिर हूँ. ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 19 मई 2019 से लेकर तारीख 26 मई 2019 तक का है. ये राशि भविष्य लग्न के अनुसार है. इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं जानने से पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology. सब्सक्राइब बटन जब आप दबाएंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा और बेल बटन क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा ये चैनल. और आपको तरह तरह की जानकारियाँ लेक्चर्स द्वारा, कहे कामिनी, गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना, साप्ताहिक राशि भविष्य और नए नए लेक्चर्स, नए नए टॉपिक का आप सुनते रहेंगे. चलिए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य. तारीख 19 को चंद्रमा वृश्चिक राशि में है. तारीख 22 को संकष्टी चतुर्थी है और चंद्रोदय मतलब कि चांद का उदय होना रात के 10:23 पर है. तो जो गणेश जी का ये व्रत रखेंगे वो व्रत खोलेंगे रात को 10:23 के बाद, चांद देखने के बाद. इस बीच सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 25 तारीख को जा रहे हैं रात 8:25 तक. बस इस सप्ताह में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है घटनाओं का. और अब हम जानेंगे कि पहले ही सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं पिछले सप्ताह में और शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं. आइए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य. चंद्रमा बने हुए हैं वृश्चिक राशि में सप्ताह की शुरुआत में. मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत 1.5 दिन के लिए आपके लिए गुरु चांदनी योग होने के कारण आपकी तबीयत का इलाज, पार्टनरशिप में इजाफा और साथ में आप बेटर फील कर सकते हैं अपने धन स्त्रोतों के लिए, पैसे वगैरह आ सकते हैं 1-2 दिन. उसके बाद आपको बता दूं कि लग्न का सूर्य हट चुका है और वो आपके धन स्त्रोतों को जितना आपको ये दिन फ़ायदा होगा उसके बाद फिर वो धन लाभ जो है वो रुका रहेगा. बहुत ज़्यादा धन लाभ नहीं होने देंगे सूर्य महाराज. हालांकि वाणी में ओज वगैरह छाया रहेगा लेकिन फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे. लग्न में बैठा हुआ शुक्र आपके विवाहित जीवन में सुख शांति लाता है, पार्टनर्स वगैरह से आपकी डील्स करवाता है. आज के दिन कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, हालांकि संडे है. और जो बुध महाराज प्रवेश कर गए हैं वृषभ राशि में सूर्य के साथ, वो बनाते हैं बुधादित्य योग. तो हो सकता है कि आपको धन लाभ के दूसरे स्त्रोत्र भी नज़र आएँ जहाँ काम करने की इच्छा हो आपकी. आपको बता दूँ कि आपके लोन्स वगैरह खुल जाएंगे, पैसा मिल सकता है आपको. और जो बेचैनी है आपके भाग्य से रिलेटेड, आपको के काम नहीं बन रहे वो अभी 24 जनवरी जब तक शनि बदलता नहीं तब तक थोड़ी बहुत बनी रहेगी. अभी मंगल राहु का जो अंगारक योग है उसके वजह से यात्रा में परेशानियां, छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव या उनकी तबीयत का ख़राब होना, ये सब ध्यान में रखते हुए आपको कोई कार्य करने हैं. अपनी तबीयत को भी संभालना है, हो सके तो गणेश जी के जाप कीजिए. ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसका निदान कीजिए. माइंड आपका थोड़ा सा बेचैन है अपने कामों को लेकर तो सूर्य को जल चढ़ाइए. वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए लग्न में आ गए हैं सूर्य और बुध. बुध सपोर्ट करता है, सूर्य नहीं करता है. एक असमंजस सा है और आपकी पर्सनालिटी बुझी बुझी है. आप ज़्यादा सोच रहे हैं अपने विषय में. इससे सोचने से अच्छा है कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, रोज़ एक अध्याय कीजिए या रोज़ एक चीज़ पढ़िए और या तो दुर्गा सप्तशती के पाठ किसी के द्वारा करवा लीजिए. आपके जो मंगल राहु योग बना हुआ है आपके द्वितीय स्थान में, उससे आपके पैसे वेस्ट हो रहे हैं. आपका धन जो आया था वो तितर बितर हो रहा है, उसको संभाल के रखिए. और जो लग्न में आ गए बुध, वो आपको थोड़ा सा व्यवसायिक रूप से माइंड से काम करवाएंगे. कुछ नुकसान जो हो रहे हैं उसके विषय में समझाएंगे. हालांकि शादी के योग और विवाहित जीवन से सपोर्ट, अगर विवाह हो चुका है तो ये दोनों ही कार्ड्स पर नज़र आते हैं. और आज का दिन गुरु चांदनी योग होने की वजह से आज का दिन आप अपने लिए भी आश्वस्त हैं और अपने पार्टनर्स और अपने विवाहित जीवन को लेकर भी आश्वस्त हैं.
है। मंगल राहु के अंगारक योग में आपको हिदायत देती हूँ मैं कि अपने प्रेम संबंधों को ना बिगाड़िए, विदेश रिलेटेड यात्राओं में सावधान रहें। मिथुन राशि, आपके लग्न में बैठा मंगल राहु अंगारक योग आपको पल पल हिदायत देना पड़ता है कि आप अपनी तबीयत का अति ध्यान रखें, बाजार की चीज़ें ना खाएँ, किसी भी प्रकार का अति ना करें, व्यसन या कोई और चीज़, अपना पूर्ण ध्यान रखते हुए ये मंगल का भ्रमण जब तक है तब तक निकाल दें, हो सके तो गणेश जी की आराधना करें। आपके अभी आज के दिन जो गुरु चांदनी योग आपके षष्ठ में बना उससे आपके लोन्स खुलेंगे, आपको प्रेम संबंधों में रिलैक्सेशन मिलेगी। हालांकि सूर्य के आने से और बुध के आने से आप प्रेम संबंधों में भी व्यवसायी की तरह सोचोगे, अपने घरेलू सुख में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, और अगर आपको प्रेम संबंधों से घरेलू सुख मिलता है, जो आपके घर में लोग हैं वो आश्वस्त हैं आपके इस संबंध से, तो अच्छी बात है। वैसे आपकी माता की तबीयत का ध्यान रखना उचित है, अपनी विवाहित जीवन को संभालना उचित है, किसी भी तरह का मनमुटाव अलगाव ना कीजिए, क्योंकि आगे चल के ये अलगाव देर तक रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब नीच का चंद्रमा गुरु के साथ है, फिर भी आपको फायदा देता है, धन लाभ देता है, परिवार में आपके बच्चों के साथ आपको खुशी देता है, हो सकता है उनके जो रिजल्ट्स वगैरह आए अच्छे आए और आप आश्वस्त हों। पैसे पूर्ण रूप से नहीं आ पाएंगे, आज का दिन आ सकते हैं, फिर वही तंगी हो सकती है, और इस तंगी से निजात पाने के लिए आप सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री के जाप कीजिए। अब जाके बुध जो है वो आपके वृषभ राशि में बैठने के कारण आपको जो यात्राओं में नुकसान हो रहा था वो नहीं होगा, और बेटर स्थिति बुध के होने के कारण जो आपकी तबीयत खराब थी वो तबीयत अब बेटर हो जाएगी। वैसे बता दूं भाग्योदयकारी संदेश से आपको आते हैं लेकिन आप मना कर देते हैं अपने कामों के लिए, वो अच्छी बात नहीं, अपने जो भी काम आते हैं हाँ बोलते जाइए, और परिवार में सुख शांति के लिए फिर से वही प्रार्थना गायत्री के जाप कीजिए। सिंह राशि, आपके लग्न का स्वामी दशम में बैठकर अब थोड़ा सा अस्वस्थ, शुक्र के घर में आपको गायत्री के जाप, सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ, सूर्य को देखना, ये सब करना चाहिए, और साथ साथ में जो काम बिगड़ रहे हैं आपके उसके लिए आप प्रैक्टिकल रहें तो अच्छा है, क्योंकि आप शुक्र के उपाय नहीं कर सकते। बुधादित्य योग बनने के कारण आपके जो धन लाभ बिल्कुल भी रुक गया था थोड़ा बहुत खुल जाएगा। अंगारक योग आपके धन लाभ के घर में, आपके लाभ के घर में, जिसकी वजह से आपका पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी जोर पकड़ लेंगे, अगर कोई केसेस वगैरह होंगे तो उसमें संभल के चलिएगा। परिवार से आपकी जो अनबन थी वो अब थोड़ी सुधरती नज़र आती है, माँ से सपोर्ट जारी है, प्रॉपर्टी लेते वक्त बहुत सोच समझ के लीजिएगा और डिसीजंस अपने सही रखिएगा। शनि और केतु माइंड पर बैठे हैं, अगर बच्चों का पढ़ाई में रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो भी उन्हें बुरा बिहेवियर मत करिएगा, आगे चल के ठीक होता है, ये सब ग्रहजन्य प्रॉब्लम्स होती हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ असमंजस या तबीयत खराब वगैरह चल रही है आपके पार्टनर की, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी बुध अब जाके स्वस्थ, बहुत दिनों से आप परेशान चल रहे थे बुध की मूवमेंट को लेकर, और अब जाके आपको थोड़ी सी सांस आएगी, बेटर फील करेंगे, और हालांकि एक तरफ बेटर होगा और एक तरफ आपके जितने कार्य वगैरह हो रहे थे वो थोड़े रुकेंगे, आपके कामों में झगड़े ना हो, आप जहां कार्य कर रहे हैं उन लोगों के साथ बना के रखें, बेकार में बहुत बड़ा बवाल या किसी तरह का कोई डिसीजन के जॉब छोड़ रहा हूँ वगैरह ऐसा सब मत कीजिए। अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखिए, और शुक्र के ये जो भ्रमण हुए हैं आपके अष्टम स्थान में, इसके लिए आप जो पैसा इन्वेस्ट करने का बिजनेस में सोचते हैं वो भी मत कीजिए, आपके पैसा थोड़ा छिटपुट लाभ आपको होता रहेगा, और इसलिए आप ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपको मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को भी आप थोड़ा मेडिटेशन सिखाइए, क्योंकि 24 जनवरी तक जब तक चतुर्थ में शनि बने हुए हैं और केतु भी बने हुए हैं तब तक आपको शिव जी की आराधना और मेडिटेशन एक्सरसाइज वॉक वगैरह संपूर्ण रूप से करना चाहिए। तुला राशि,
तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी सन्मुख आकर आपको संपूर्ण सपोर्ट देता है और सूर्य बैठकर जो बेचैनी देता था, वर्टिगो वगैरह तरह की बीमारियां चक्करों की या माइंड से रिलेटेड वो खत्म होगी। सूर्य के वृषभ राशि में आने से आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो खत्म होगी। आपको क्या करना है, आपको महालक्ष्मी के जाप ओम महालक्ष्मी नमः या महालक्ष्मी के मंदिर जाना या दुर्गा माँ की आराधना या दुर्गा सप्तशती पढ़ना उचित रहेगा। आपके बुध के स्थानांतरण से आपके बिजनेस में जो पैसे आप लगाने की सोच रहे हैं वो मत लगाइए, और अभी फिलहाल ऐसा समय नहीं है जहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा हो। धन लाभ आपका छिटपुट हो ही रहा है, और ये जो शनि और केतु का जो भ्रमण है उसकी वजह से कभी आप जोर से काम करने का सोचते भी हैं तो लेजीनेस आता है, बेचैनी सी है। इसके लिए आप महामृत्युंजय के पाठ, शिव जी की आराधना कर सकते हैं। परिवार से अभी सपोर्ट जारी है आपको, प्रेम संबंधों में जो बाधाएं थी वो थोड़ी कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु शादी के योग करता है, और अभी आप 11 नवंबर तक शादी कर सकते हैं। आज का दिन अगर कोई वर वधु आए तो वो उचित होगा। वैसे बता दूं, आगे 2 से 3 दिन जब चंद्रमा शनि केतु के बीच आएगा तब आपको अपने भाग्य से रिलेटेड कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। 3 दिन के बाद आप अपने भाग्य से रिलेटेड डिसीजंस ले सकते हैं। आपके बच्चों से रिलेटेड जो आपको बेचैनी पहले होती थी वैसी अब नहीं है, उनके स्वस्थ दिवस चल रहे हैं और साथ ही साथ उनके रिजल्ट्स वगैरह भी अच्छे आएंगे, आप खुश रहेंगे। अभी सूर्य का ये मोमेंट बताता है विवाहित जीवन में बेचैनी है और उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। बुधादित्य योग भी बनता है तो वो अगर काम करना चाहें आपके विवाहित जीवन में पति पत्नी तो उन्हें रोकिए मत, ये कारण नहीं होना चाहिए आपके झगड़े का। हेल्थ का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है क्योंकि मंगल और राहु आपके अष्टम में बैठ के अंगारक योग बनाता है। बीपी से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई ऑपरेशंस या चोट लगना, वाहन तेज़ी से चलाना ये सब मत कीजिएगा। मेडिटेशन कीजिए, ओम के जाप कीजिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्न में बैठा शनि केतु आपको पायस तो बनाता है लेकिन एक जगह बिठा देता है आपको, और असमंजस की स्थिति, बेचैनी, कॉन्फिडेंस में कमी, ये सबसे अगर आपको बाहर निकलना है तो आप गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं और शिव जी की आराधना भी कर सकते हैं। वैसे बता दूं कि आप त्रयंबकम यजामहे के जाप, जो महामृत्युंजय जाप कहलाते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपके 11 नवंबर के बाद शादी के योग आएंगे। फिलहाल जो आपके प्रेम संबंधों में उछाल आया है उसमें अभी कोई डिसीजन आप ना लें तो अच्छा है, क्योंकि आगे चल के जब गुरु आपके लग्न में आएगा तब आपके डिसीजंस सही होंगे अपने विवाह के लिए। अभी अगर आप विवाहित हैं तो आपके विवाहित जीवन में कोई झगड़ फसाद, कोई बेचैनी या अलगाव ना हो। ये मंगल महाराज जब तक कर्क के होने के बाद सिंह के नहीं हो जाते तब तक आपको ये ध्यान रखना है। अभी शुक्र के स्थानांतरण से आप थोड़ा सा, मैं कहूँगी, रोमांटिसिज्म में आएंगे और विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहेंगे, छुट्टियाँ मनाना चाहेंगे। आप मना सकते हैं छुट्टियाँ, अभी आपकी यात्राएं भी कम हो रही हैं। जो लाभ आपको नहीं हो रहा था पिछले दिनों, अब थोड़ा पैसा खुल जाएगा आपका और आपके लाभ होंगे। माता से फुल सपोर्ट है आपको और उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना है। पिता से जो है आपके, जो उनकी तबीयत जो इन दिनों थोड़ी संभालनी पड़ रही है उसमें भी बेटरमेंट होने की पूरी संभावना है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि आपसे द्वादश में केतु के साथ जो कि मंगल की तरह बिहेव करता है, एक विषयोग प्रमाण बना के बैठा है। आपको बड़ी बेचैनी, इसलिए आप महामृत्युंजय के जाप ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम उर्वारुकमिव वंदनात मृत्युर्मोक्षीयम अमृतात ये जाप कीजिए और शिव जी की आराधना कीजिए। आप अपनी तबीयत का पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। अभी आपके शादी के योग, धन लाभ के योग चल रहे हैं और आपको जो माइंड की जो बेचैनियाँ हैं वो मेडिटेशन से या महालक्ष्मी के पूजन से जा सकती हैं। आप महालक्ष्मी के मंदिर को विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों के बेटर रिजल्ट्स के लिए
अगर अभी बहुत ज़्यादा आप बेचैनी करेंगे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि इन दिनों जब तक सूर्य बैठा रहेगा अगली 15 जून तक रिजल्ट्स बच्चों के ठीक ठाक आ सकते हैं। और अगर आउटस्टैंडिंग ना भी आए, जो कि उनकी पर्सनलाइज कुंडली देख के पता चलेगा, एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट बता रही हूँ मैं, तो आप बेचैन ना हो। अभी वैसे बता दूँ कि बुध और सूर्य के जो ये बुधादित्य योग बना है तो सही सोच एडमिशंस वगैरह हो जाएंगे। विरोधियों से सावधान रहें और अपने पेट का ध्यान रखें, रोगों का ध्यान रखें और लोन्स ना लें इन दिनों। इसके साथ ही अपनी माता की तबीयत का भी ध्यान रखें। कुंभ राशि, आपके लग्न का स्वामी शनि लाभ में बैठकर आपको लाभ करवाता है, लेकिन आता है जाता है, कोर्ट केसेस में चले जाता है, या मैं कहूँगी आपके पैसे जो हैं संपत्ति के विवादों में चले जाते हैं और ताया चाचा से मन मुटाव, ये सब बातों को बेचैनी ना करने से अच्छा आप त्र्यंबक में जा महे महामृत्युंजय जाप कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, और या आप कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति और लाभ भी होगा। आपका बिजनेस जो है वो अभी ग्रो कर रहा है और ग्रो करने के कारण आगे आशंका है कि आपको पैसा आएगा, विदेश से भी आएगा और आपके धन लाभ से भी आएगा, लेकिन जब तक ये शनि केतु साथ में रहते हैं कोई विशेष उम्मीद मत कीजिए। अभी सूर्य के चतुर्थ में आने से आपको थोड़ा अपनी माँ की तबीयत का ध्यान, अपनी घरेलू बातों में चिड़चिड़ ना करना, वाहन ना खरीदना, ये सब ठीक रहेगा। और काम में अगर कोई नौकरी मिलती है, कोई दूसरा धंधा मिलता है या कुछ ऐसा कि टीचिंग का जॉब मिलता है तो आप कर सकते हैं। वैसे बता दूं कि मंगल और राहु का अंगारक योग आपके माइंड पे चलने के कारण बहुत ज़्यादा बेचैनी, अपने रिजल्ट्स, बच्चों के रिजल्ट्स, अपना माइंड और अपनी सोच इस वजह से हुई है। और आपको मैंने उचित बताया है कि आप श्री कृष्ण की या शिव जी की आराधना करें। अभी परिवार से सपोर्ट है और अभी छिटपुट अच्छे ऑफर्स आपको आएंगे काम में, तो उनको ग्रैब कीजिएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी गुरु अभी स्वस्थ भाग्य में, तो आपको अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। और जो आपके प्रेम संबंधों में बिगाड़ है आपके काम के कारण, जो कि आपके दूर रहने से आपके काम की वजह से कुछ काम नहीं बनते, और आधे अधूरे प्रेम संबंध, आधे अधूरे काम, इन पर आपको सामंजस्य बना के आगे चलना है। अभी यात्राएं होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा सुख कर नहीं, हाँ रिजल्ट्स आपको थोड़े बहुत छिटपुट अच्छे आ सकते हैं। और परिवार के लोग अब चाहेंगे आपके साथ घूमना फिरना, या आपकी हेल्थ के लिए विशेष चिंताजनक बातें आपको समझाएंगे कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं, और वाकई में आपकी तबीयत ठीक होने को आगे बढ़ेगी। आपकी वाणी में एक रोमांटिसिज्म रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि पार्टनरशिप करें इन दिनों, तो आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। यात्रा में थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और चंद्रमा की ये मूवमेंट अब आपका माइंड आज का दिन और कल का दिन आधा दिन कूल रखेगी, उसके बाद 2 से 3 दिन आपको बेचैनी नहीं करनी है, क्योंकि शनि और केतु के बीच आएंगे चंद्रमा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। ये राशि भविष्य हम लग्न के अनुसार बताते हैं और इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर होती रहूँगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरा एक और चैनल YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक। आप सबसे निवेदन है, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है कि पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें कुंडली में, और साथ में पॉल्यूशन को घटाएं, पर्यावरण की रक्षा करें, साथ ही साथ वृद्धों की सेवा करें। वृद्धों की सेवा करने से केतु राहु शनि की शांति अपने आप हो जाती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।